नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज शॉक। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग शुरू, 224 सीटों से 2614 उम्मीदवार मैदान में। चुनावी साल में एक बार फिर राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास। एटीएस की टीम ने भोपाल और छिंदवाड़ा में दबिश दी, 11 लोगों को गिरफ्तार किया। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता को लेकर सुनवाई, इस मामले में आठवें दिन सुनवाई हुई है। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जहां पर 224 सीटों में 2614 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। कर्नाटक के सभी जिलों में पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 20.99% वोट पड़ चुके हैं। आम लोगों के अलावा सेलिब्रिटीज और नेता भी वोट डालने पहुंच रहे हैं। अभिनेता प्रकाश राज ने शांतिनगर स्थित सेंट जोसेफ इंडियन स्कूल में पोलिंग स्टेशन में मतदान किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने वोट डालने से पहले शिकारीपुर के हुच्चाराया स्वामी मंदिर में और राघवेंद्र स्वामी पट में दर्शन किए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री बासवराज बोमैया ने हुबली के हनुमान मंदिर और कावेरी के गायत्री मंत्र में पूजा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में विजयनगर में पोलिंग बूथ में वोट डाला है। वहीं वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा ही बजरंग बली की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर कांग्रेस चुनाव के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ती है। कर्नाटक तो हनुमान जी की जन्म स्थली है, जहां आकर कांग्रेस तो अपने मैनिफेस्टो से बजरंग दल के बैन करने की बात कर रही है। बेवकूफी का उद्घाटन इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। चुनावी साल में एक बार फिर राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथद्वारा में रेलवे लाइन सहित 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान की कनेक्टिविटी के लिए ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नेशनल हाईवे से उदयपुर, जोंगलपुर और बांसवाड़ा को फायदा होगा। बिलाडा और जोधपुर सेंक्शन के निर्माण में बॉर्डर तक पहुंचना आसान होगा। इसका बड़ा फायदा होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। इससे पहले दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मोदी का जयकारों के साथ स्वागत किया गया है। इस दौरान जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाषण के लिए मंच पर पहुंचे, तो कुछ सेकंड तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे। लोगों को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री ने हाथ से इशारा भी किया। मध्य प्रदेश और तेलंगाना एटीएस की टीम ने भोपाल और छिंदवाड़ा में दबिश दी है। दोनों जगहों से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। देश भर में हट के कुल 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल से 10, छिंदवाड़ा से 1, तेलंगाना से 5 सदस्यों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार लोगों से भोपाल गैस त्रासदी एक्टिविस्ट का जो है रिश्तेदार भी शामिल है। इंजीनियर से लेकर टीचर भी संगठन में जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी एटीएस में पकड़े गए हट सदस्यों के पास से आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद हुआ है। इस संबंध में काफी समय से इनपुट मिल रहा था कि इसके बाद वह कार्रवाई की गई। ये संगठन शरीयत कानून लागू कराने के लिए किसी भी हद तक जाने और हिंसा करने में विश्वास रखता है। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 9वें दिन सुनवाई होगी। मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कॉल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हीमा कोहली को संवैधानिक बेंच दलीलें सुन रही हैं। इस मामले में 8वें दिन सुनवाई हुई थी। इस दौरान जस्टिस रविंद्र ने कहा कि भारत का संविधान लकीर से फकीर विचार तक खिलाफ है, ये पुरानी परंपराओं को तोड़ता आया है। उन्होंने कहा कि संविधान ने जाति व्यवस्था तोड़ी, छुआछूत जैसी चीजों को खत्म किया, दुनिया के किसी भी संविधान ने ऐसा नहीं किया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि संविधान के तहत शादी करने का अधिकार नहीं है। ये कहना बहुत दूर की बात होगी कि शादी करने का अधिकार सार्वजनिक अधिकार नहीं है। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल 5वीं चार्जशीट पर कोर्ट ने सुनवाई होगी। 4 मई को चार्ज एजेंसी ने कोर्ट में चौथी जो है सप्लीमेंट्री दाखिल की है, जिसमें ईडी ने सिसोदिया को पहली बार आरोपी बनाते हुए कहा कि इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता है। इससे पहले जांच एजेंसी ने 3वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता और बीएसआर नेता के कविता, वाईएसआर कांग्रेस सांसद वाले कथाकथित जो है साउथ ग्रुप का संयंत्र रचा था।
ईडी ने कोर्ट में दाखिल दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया था कि विजय नगर और आम आदमी पार्टी के कई नेता मनीष सिसोदिया के इशारों पर काम कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे रेसलर्स के धरना 18वें दिन भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ आज महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें अदालत ने दिल्ली पुलिस के मामले से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अब मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहलवानों के एडवोकेट ने कहा कि हमने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, उसके बाद 28 मार्च को पुलिस ने FIR दर्ज की है। मामले में एक FIR पॉस्को एक्ट में दूसरे अन्य धाराओं में दर्ज हुई है। कोर्ट के अंदर पहलवानों के वकील ने कहा कि पुलिस मामले की जांच में देरी कर रही है। पुलिस की तरफ से अभी तक किसी भी पीड़ित का 194 के तहत बयान दर्ज नहीं किया गया है। पहलवानों की तरफ से वकील ने कोर्ट में यहां तक कह दिया कि खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि आप मामले का सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते, आपको दिक्कत होगी। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग की रफ्तार काफी धीमी है। सुबह 11 बजे तक सिर्फ 17.46% की वोटिंग हुई है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। इसी दौरान शाहकोट के गांव रूपव्याला में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। शाहकोट से कांग्रेस MLA हरदेव सिंह लाठी शिरोवालिया ने आरोप लगाया है कि बाबा बकाला ने आप विधायक दलवीर सिंह चौक जालंधर में घूम रहे हैं। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक वोटिंग के दिन बाहरी आदमी जालंधर में नहीं आ सकता, इसके बावजूद विधायक या वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। उधर आप नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वर्करों ने धक्केशाही की है। इसके बाद विधायक टॉक को कहा कि कमरे में बंद कर दिया गया। मौके पर पुलिस ने वहां पहुंचकर विधायक को बाहर निकाला और अब थाने में ले गई है। फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है। कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस से याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 15 मई को तारीख तय कर दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिल्म अच्छी है या नहीं ये बाजार तय करेगा। फिल्म 5 मई को रिलीज हुई है और इसी दिन केरल हाई कोर्ट ने फिल्म का ट्रेलर भी देखा था। इसके बाद अदालत ने फिल्म के रिलीज पर रोक से इंकार कर दिया था। इस फिल्म की रिलीज बंगाल और तमिलनाडु में बैन कर दी गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म केरल के हालात पर आधारित है। केरल में कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि फिल्म एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है। सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए 1 अगस्त से एक जैसी वर्दी होगी। हाल ही में सेना के कमांडरों के एक सम्मेलन में चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। ये फैसला अभी अफसरों पर लागू होगा, चाहे उनका कैडर कुछ भी हो या उनका अपॉइंटमेंट कभी भी हुआ हो। वहीं कर्नल और नीचे के रैंक के अधिकारियों को वर्दी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के सूत्रों ने बताया है कि इस फैसले के तहत सीनियर अधिकारियों की टोपी, कंधे के बैच और गॉर्गेट पैच, बेल्ट और जूते तक जैसा होगा। वहीं फ्लैग रैंक जो रैंक है अधिकारी अब उसकी डोरी नहीं पहनेंगे। चक्रवात मोर्चा 11 मई से एक्टिव हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 मई को तूफान और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस दौरान बंगाल उड़ीसा समेत तटीय इलाकों में बारिश की आशंका है। साथ ही 70 km/h की रफ्तार से हवाएं चलने की अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि मोचा तूफान आज या कल दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर की बारिश हो सकती है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके बाद गुरुवार को तूफान उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ सकता है। संभावना के लगाई गई है कि बांग्लादेश म्यांमार तटों पर जाने से पहले यह और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।